नोएडा के सेक्टर 1 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सुबह के वक्त गार्ड रूम में लहूलुहान हालत में दो गार्ड पड़े मिले। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस वक्त हम दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद है। सेक्टर 1 पॉश इलाका है, यहाँ पर बड़ी वारदात हुई है। आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ के दो गार्ड्स की हत्या कर दी गई है। ये वाकया देर रात हुआ है। दरअसल सुबह पुलिस ने डिटेक्ट किया पूरा मामला। जब यहाँ पर स्टाफ पहुंचा उन्होंने देखा दो गार्ड्स की हत्या की गई है। दरअसल सर पर किसी भारी वस्तु से जो है वो वार किया गया है। क्या एग्जैक्टली पोस्टमार्टम से साफ होगा। आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस मौजूद है, SSP मौजूद है, CO मौजूद है, तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये वारदात देर रात की है। बताया जा रहा है कि मृतक गार्ड मुद्रिका और मुकेश रात में ड्यूटी पर तैनात थे, तभी गार्ड की ड्रेस पहनकर हथियार बंद दो बदमाश गार्ड रूम में पहुंचे और स्ट्रांग रूम की चाबी ढूंढने लगे। लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तो बदमाशों ने दोनों गार्ड पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में दोनों गार्ड लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। उनके लड़के ने मुझे 9:30 बजे सुबह में फोन किया था कि पापा को मतलब किसी ने डेथ कर गए, उस PNB कहीं है, जॉब करते थे उसी में। तो आपको जानकारी किसने दी है? उनके लड़के ने, जो मेरे भाई के लड़के ने फोन। पुलिस अस्पताल की तरफ से आपको जानकारी? ना, कुछ नहीं जानकारी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है, आशंका यही जताई जाती है कि हो सकता है गार्ड्स का मर्डर लूटपाट के इरादे से किया गया हो, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की यह शाखा है, अंदर स्ट्रांग रूम है, लॉकर है और तमाम सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ये बैंक अंदर मौजूद है। लेकिन ऐसा लगता है कि लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया। कुल दो लोग हैं और मैं जैसे बताया कि 17 से 19 के बीच में, 17 से 19-20 के करीब की इसकी एज है और फिलहाल जो दो लोग हैं जिन्होंने घटना की है, किसी प्रकार की लूट नहीं कोई भी नहीं हुई है। फिलहाल उन्होंने जो प्रयास किया है, जो भी मूवमेंट है उसके बारे में तफ्तीश की जा रही है। जल्दी ही आपको स्ट्रांग रूम तो पूरे बदमाश नहीं, स्ट्रांग रूम में कोई, हाँ बैंक के अंदर, क्योंकि चाबी से ही बैंक का ताला खोला है, कोई किसी काटने की कोई प्रकार की कोशिश नहीं हुई है और जैसा मैंने बताया है कि कुछ बदमाशों को चिन्हित किया गया, जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हमलावर बैंक में लूट को अंजाम देने के लिए आए थे, हालांकि बैंक में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के कारण वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज को खंगालने में जुटी है ताकि बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।